नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शिल्पी गुप्ता है। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी ऑलवेज। दोस्तों, लास्ट के दो वीडियो में मैंने आपको बताया कि पोस्ट स्ट्रोक अपर लिम एक्सरसाइजेस हम मरीज को किस तरह से कराते हैं, लोअर लिम एक्सरसाइजेस किस तरीके से कराते हैं। इस वीडियो में मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट कराने वाली हूँ कि बेड टू व्हील चेयर ट्रांसफर एक्टिविटी हम मरीज को किस तरीके से ट्रेन करते हैं। आप अपने फैमिली मेंबर्स को घर में कैसे ट्रेन कर सकते हो, रोल करके किस तरीके से ट्रांसफर करना है। तो आइए हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हमें पेशेंट को किस तरीके से रोलिंग करनी है। सबसे पहला कि पेशेंट कंफर्टेबल पोजीशन में होना चाहिए। दैट पेशेंट को हमें रोल करना है अनअफेक्टेड साइड। हमेशा व्हील चेयर को बेड साइड पे एंगल वाइज बना के रखना है। व्हील चेयर लॉक पोजिशन में है, दैट पेशेंट को रोल करना है आपके अनअफेक्टेड साइड पे। तो सबसे पहले कि पेशेंट को करवट दिलाना है। पेशेंट के कूल्हे पे एक हाथ आपके कूल्हे पे, दूसरा हाथ आपके पेशेंट के कंधे पे होना चाहिए। देन रोलिंग मूवमेंट को कराना है। रोलिंग मूवमेंट के साथ अब हमें हाथों को अफेक्टेड साइड के ऊपर इस तरह से होल्ड कराना है और अफेक्टेड लिम को नी को घुटने को मोड़ना है। देन जो हमारा अनअफेक्टेड साइड है उसको पैर से एज से बाहर की तरफ लेके आना है और पेशेंट को शोल्डर सपोर्टेडली बिठाना है। इस तरीके से पेशेंट को बिठाना है। पोजीशन, पेशेंट का पोजीशनिंग इस कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो उसका अफेक्टेड साइड है वो पेशेंट अपने अफेक्टिवली यूज नहीं कर पा रहा। तो थेरेपिस्ट किस तरीके से स्टेबलाइज करेगा शोल्डर जॉइंट को, हिप जॉइंट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज कि पेशेंट कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन पे आ गया है, देन उसको ब्रीदिंग कराएंगे ताकि वो रिलैक्स। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, इस तरह से कमांड देते हुए पेशेंट को बताना है कि अब हम आपको बेड साइड से व्हील चेयर के ऊपर बिठाएंगे। तो देन अब हमें शोल्डर को शिफ्ट करना है। हम पुल नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि शोल्डर जॉइंट को अगर हम लोग फोर्सफुली पुल करेंगे तो जर्की मूवमेंट हो सकता है या फिर पेनफुल हो सकता है। तो पेशेंट को शिफ्ट करना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो हमें पेशेंट को डक वॉक ट्रेन करना है। डक वॉक मतलब होता है शिफ्ट करना वन बाय वन। तो हर एक हिप जॉइंट को वन बाय वन फॉरवर्ड डायरेक्शन में पेशेंट को शिफ्ट करना है। तो इस तरीके से हमें कूल्हे में थेरेपिस्ट स्टेबलाइज करके रखेगा एंड देन हमें हिप को आगे की तरफ पुल करना है। देन इसको पुल करना है, फिर आगे की तरफ एंड पीछे की तरफ। अब इसी कंडीशन में थेरेपिस्ट अपने दोनों घुटनों से पेशेंट के घुटने को लॉक करेगा। देन आप इस लॉकिंग पोजीशन में क्या होगा, पेशेंट को शिफ्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इंजरी होने के चांसेस, स्लिप होने के चांसेस कम हो सकते हैं। तो हमें इस तरीके से शोल्डर को लॉक कर देना है। अब आप किसी भी उनके फैमिली मेंबर्स से हेल्प के थ्रू आप उसको हेल्प करोगे पीछे से पेशेंट को व्हील चेयर में ट्रांसफर होने के लिए। देन अब थेरेपिस्ट क्या करेगा, लॉक पोजीशन में इस तरीके से बैकवर्ड डायरेक्शन में आप अपने कंधे पे पेशेंट को इस तरह से लोगे एंड देन उसके स्कैपुला को स्टेबलाइज करते हुए हमें व्हील चेयर पे पेशेंट को शिफ्ट करना है, इस तरीके से बिठाना है। ये बहुत ही इजी और कंफर्टेबल होना चाहिए ताकि पेशेंट को कोई सेकेंडरी प्रॉब्लम या फिर कोई सेकेंडरी इंजरी ना हो सके या पेशेंट को पेनफुल ना हो सके। नेक्स्ट वन इज जब पेशेंट व्हील चेयर के ऊपर आएगा, देन हमेशा अफेक्टेड साइड हमेशा स्टेबल होना चाहिए, ओवर जर्की मूवमेंट नहीं होना चाहिए। इस तरीके से उसके हाथ को स्टेबल करना है और उसके पैरों को इस तरीके से व्हील चेयर के ऊपर स्टेबल करना है। पेशेंट की व्हील चेयर पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट का शोल्डर हमेशा सपोर्टेड होना चाहिए। वेदर यू आप आर्म स्विंग का भी यूज कर सकते हो और पैरों का भी पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट अनस्टेबल होगा या फिर जो उसका अफेक्टेड लिम वो हैंगिंग पोजीशन में होगा तो उसमें चोट लगने के चांसेस है और इंजरी होने के चांसेस है। तो आई होप आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो पाया होगा कि पेशेंट का बेड साइड टू व्हील चेयर एक्टिविटी को किस तरीके से कराते हैं।